तो एक तरफ तो हमारा जवान खड़ा है, एक तरफ हमारा किसान खड़ा है, दोनों को आमने सामने कर कर ये पवित्र नारे का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो भी हमारे भाई है, हमारा तो ऐसा निर्णय नहीं ना हम सरकार के साथ कुछ टकराना चाहते हैं, हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ये हमने कभी भी जिंदगी में सोचा नहीं। दो किस्म की बातें हैं, जिस तरह से जवान है ठीक है, वो भी हमारे घरों से जाते हैं। आप देखिए जो कारपोरेट के बेटे बेटियां वो तो फौज में भर्ती नहीं होते, अंबानी अडानी जी का बेटा थोड़े ना सिपाही हवालदार भर्ती होगा, तो हमारे घरों से हमारे पेट के लिए लोग जाते हैं, रोजगार का सवाल है। तो एक तरफ तो हमारा जवान खड़ा है, एक तरफ हमारा किसान खड़ा है, जैसे पूरे भारतवर्ष में जय जवान जय किसान का नारा था, तो ये दोनों को आमने सामने कर कर ये पवित्र नारे का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो भी हमारे भाई है, हमारा तो पॉलिटिकल विरोध हो सकता है सरकार से, हमारा तो ऐसा निर्णय नहीं ना हम सरकार के साथ कुछ टकराना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो अब सरकार जो है इस तरह से हमारे ऊपर, हमारे देश के ही अर्धसैनिक फोर्स हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ये हमने कभी भी जिंदगी में सोचा नहीं था। देखिए ये जो ट्रैक्टर्स है ये सरकार ही लेके आई, ये मॉडल्स हम तो पहले अपने बैल की खेती करते थे, तो क्या सरकार ये कहेगी कि हम टैंक ला के किसानों को दे रहे हैं? दोषपूर्ण ये सवाल है, हम बहुत बड़ी सवाल करते भी देश की खेती तो छोटी हो रही है ठीक है। आप कॉरपोरेट मॉडल जो सांझी खेती है वो मॉडल लेके आए तो उसमें छोटे ट्रैक्टर दें हमें, तो ये कॉरपोरेट का मॉडल ला के बड़े ट्रैक्टर हमें देते हैं, तो ये इनके ऊपर सवाल होना चाहिए। तो ट्रैक्टर देते खेती के लिए, ये टैंक दे रहे हैं जो कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, तो हम उल्टा सवाल करते हैं उनसे, सवाल कीजिए वो टैंक देते हैं कि ट्रैक्टर देते हैं? भाई ट्रैक्टर हर जगह आप देख ले, जितने भी भारतवर्ष में मेले होते हैं, हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं किसानों के, हम अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास तो वही है ना। नहीं देखिए जहाँ तक हमने हालात देखिए, हम तो हालात खराब करने के मतलब ताकत में नहीं है, हमारे तो देश के किसान के स्वयं सरकार की नीतियों की वजह से हालात खराब हुए, तभी तो देश की पार्लियामेंट में बोलते हैं भी 118 किसान और खेत मजदूर रोज कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, तो इनके कत्ल हम किन के ऊपर डालें? ये सरकार की नीतियों पर के ऊपर डालें ना, कि आपकी नीतियों की वजह से हमारे कत्ल हो रहे हैं, जब हमारी उपजीविका है ही नहीं, हम घरों में भूखे मर रहे हैं, तो कम से कम आप अपनी सरकार जो हमारी चुनी हुई सरकार है उनसे आगे बढ़कर आंदोलन करके आवाज उठाने का तो हमें हक है ना। हमारी आवाज उठाने को बोला जा रहा है भी आप टकराव चाहते, मुझे नहीं लगता। स्वयं भाजपा जब विपक्ष में रही तो वो भी आंदोलन करते रहे, वो स्वयं बोले भी जब आप आंदोलन करते थे तो क्या सरकार से टकराव चाहते थे? ऐसा नहीं है, ये तो गलत ढंग से हमें हमारा अक्ष बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ देखिए ये मजबूत, हम तो कहते आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री जी हमें ऐसा करने ना, हम नहीं बढ़ते आगे, कोई ना कोई अनाउंसमेंट करते हम हमारे, तो या फिर बैरिकेडिंग पीछे कर लें, दोनों चीजों से बचा जा सकता है। हाँ देखिए कल की मूवमेंट तो है ना, लेकिन हम नहीं चाहेंगे इससे पहले कोई ना कोई निर्णय ले लिया जाए।